नमस्कार, हमारे सामने एक और इंटीग्रल है, एक डेफिनेट इंटीग्रल है, और इस क्वेश्चन के जरिए हम डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे लिमिट्स अप्लाई करते हैं वो भी जानेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट के साथ, डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन में तो आता ही है हमें, उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो तो कैसे लिमिट अप्लाई करना है। सबसे पहले तो नॉर्मली सॉल्व करना है, तो आईलेट बताता है कि एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अभी लिमिट भूल जाओ, अभी वैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन। जब तक इंटीग्रेशन सॉल्व ना हो जाए तब तक लिमिट का नहीं सोचेंगे। तो ये क्या हो गया, x और e पावर x का e पावर x, ये सॉल्व हो गया। अब चाहे तो इस पे लिमिट अभी ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट, क्योंकि ये सॉल्व हो गया, लिमिट 0 to 1, ठीक है। अब ये मत सोचना कि इंटीग्रल बस e पावर x का हुआ तो हम लिमिट बस केवल उस पर लगाएंगे। ये पूरा एक इंटीग्रल ही तो था, तो पूरे जितने भी इस पे टर्म्स आएंगे उस पे लिमिट लगना चाहिए ना, सिर्फ ई पावर एक्स पे नहीं, क्योंकि एक्स भी तो इंटीग्रल का हिस्सा था। ऊपर देखो, एक्स भी तो इस इंटीग्रल का पार्ट था, एक्स पे भी लिमिट लगेगा, उसको नहीं छोड़ना है। और इधर जहाँ तक बात है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, तो एक और बार इंटीग्रेशन करना होगा। और इधर क्या हो रहा है, इधर 1 रखेंगे x के जगह तो e पावर 1 आएगा, और 0 रखेंगे तब तो 0 ही आएगा, क्योंकि x मल्टीप्लिकेशन में 0 इंटू ई पावर 0, दैट विल बी। और इधर e पावर x का e पावर x हो जाएगा अगेन, क्योंकि इंटीग्रेशन अब हो गया तो अभी लिमिट लगाना होगा फ्रॉम 0, ठीक है। तो यहाँ से e आया, और यहाँ से क्या आएगा, 1 रखेंगे तो e पावर 1, और 0 रखेंगे तो e पावर 0, तो ये क्या आएगा, e माइनस ई प्लस 1, ठीक है, क्योंकि e पावर 0 1 होता है ना। तो ठीक है, हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज 1। इस e से ये e कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस e पावर 0 इज 1। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में दो टर्म होते हैं ना, पहला टर्म तो ये आया और दूसरा टर्म ये होता है, तो दोनों में इंटीग्रल होता है। तो इसको पूरा सॉल्व कर लो, लिमिट लगा दो। दूसरे वाले को पूरा सॉल्व किया, यहाँ पे पूरा सॉल्व हो गया, यहाँ पे लिमिट लगाया, पहला वाला यहीं पे सॉल्व हो गया तो यहीं पे लिमिट लगा दिया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। तो कभी कभी ये भी कन्फ्यूजन होता है कि सेकेंड वाले टर्म में उसमें 2 इंटीग्रल है, तो क्या इसमें भी लिमिट लगाए फिर बाहर वाले में भी लगाए, नहीं, पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। अंदर वाले को तो पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, फिर बाहर वाला इंटीग्रल सॉल्व होगा, अब जो फंक्शन आएगा उस पे हम लिमिट लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप इस पे लिमिट से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम आपको आज क्लियर हो गया।